प्रतापगढ़ का आईपीएस अफसरों की पोस्टिंग के मामले में हमेशा ही खराब रिकॉर्ड रहा है। उत्तर प्रदेश अगर किसी जिले में सबसे ज़्यादा बार एसपी हटाए गए तो वो जिला प्रतापगढ़ है। कभी किसी आईपीएस ने पोस्टिंग होने के बाद ज्वाइनिंग नहीं की तो कोई 5 दिन बाद ही बदल कर चला गया, तो कोई 2.5 महीने बाद जिला छोड़ गया। उत्तर प्रदेश की सियासत का प्रतापगढ़ एक अहम जिला है। प्रतापगढ़ का मतलब कुंडा वाले राजा भैया, योगी सरकार के मंत्री मोती सिंह और कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद तिवारी। लेकिन प्रदेश की सियासत के इतने दिग्गज नेताओं वाले इस जिले में कोई कप्तान नहीं रहना चाहता। बीते 30 साल में अकेले प्रतापगढ़ में 70 आईपीएस एसपी बनाकर भेजे जा चुके हैं। मौजूदा योगी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल में 11 आईपीएस एसपी प्रतापगढ़ में आए और चले गए। प्रतापगढ़ का आईपीएस अफसरों की पोस्टिंग के मामले में हमेशा ही खराब रिकॉर्ड रहा है। उत्तर प्रदेश के अगर किसी जिले में सबसे ज़्यादा बार एसपी हटाए गए तो वो जिला प्रतापगढ़ है। मौजूदा वक्त में भी प्रतापगढ़ का यही हाल है। इस समय के कप्तान आकाश तोमर भी अभी कुछ दिन पहले ही लंबी छुट्टी पर वापस आए हैं। डीजीपी मुख्यालय में मंथन चल रहा है कि प्रतापगढ़ में किसको कप्तान बनाकर भेजा जाए। हालांकि प्रतापगढ़ के लिए ये कोई नई बात नहीं है। वर्तमान की योगी सरकार में ही 10 आईपीएस बदले जा चुके हैं। 9 महीने में 4 एसपी प्रतापगढ़ में बदल गए। जुलाई 2019 को एसएसपी एसटीएफ रहे अभिषेक सिंह को प्रतापगढ़ के बढ़ते अपराध को नियंत्रित करने के लिए कमान सौंपी गई। इसके पहले वहां पर एसटीएफ के सुपर कॉप रहे आनंद को हटाया गया। 16 अगस्त 2020 को बागपत एसपी रहे संजीव त्यागी को एसपी प्रतापगढ़ बनाया गया, लेकिन संजीव त्यागी ने ज्वाइन ही नहीं किया। 2 दिन बाद 18 अगस्त 2020 को आईपीएस अनुराग आर्य को भेजा गया, लेकिन अनुराग आर्य 4 महीने तक ही रहे। शिवहरि मीणा 5 जनवरी 2021 को आए, लेकिन 2.5 महीने में ही चले गए। इसके बाद 21 जुलाई 2021 को सचेंद्र पटेल वहां आए, लेकिन वो भी 5 दिन ही रह पाए। पटेल के जाने के बाद इटावा के एसपी रहे आकाश तोमर को 26 मार्च 2021 को प्रतापगढ़ का एसपी बनाया गया। तोमर पिछले दिनों काफ़ी लंबी छुट्टी काट कर आए हैं, हालांकि उनको हटाने की चर्चा थी। पूर्व अधिकारी बताते हैं कि प्रतापगढ़ एक ऐसा जिला है जहां पर प्रदेश की सरकार के साथ साथ वहां के छत्रप नेताओं की भी सरकारें चलती हैं। प्रतापगढ़ जिले में राजा भैया का अपना इलाका कुंडा है, प्रमोद तिवारी का अपना रामपुर वाला इलाका है और मौजूदा सरकार के मंत्री मोती सिंह का अपना एक अलग इलाका है। ऐसे में राजनीतिक हस्तक्षेप पुलिसिंग में सबसे बड़ी बाधा है। अवैध शराब के बढ़ते कारोबार पर जब भी पुलिस नकेल कसती है तो अपराधियों को कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण मिल जाता है। इससे पुलिस परेशान रहती है।